हेलो गाइस, माय नेम इज जिगर और आज हम खेल रहे हैं डूम इटर्नल। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं गेम को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस लेवल का नाम है हेल ऑन अर्थ, क्योंकि डीमंस ने जो अर्थ को इन्वेड कर दिया था। और हम मॉड्स स्विच कर सकते हैं ऐसा था कि हम यहाँ पे थे। मेरे को ग्लोरी किल करना बहुत पसंद है। हमने पिछली बार सीक्रेट तो ले लिया था, लेकिन ये लगता है वहां पे सेव नहीं हुई। एक चीट कोड है, इनफाइनाइट लाइव्स चीट कोड से एक्टिवेट स्पेशल। छोड़ो, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा लाइफ है। ओ, हमारी एक्स्ट्रा लाइफ है। सभी डीमंस को मार दिया है और वहां पे जो एक्स्ट्रा लाइफ है वो लेने के लिए ट्राई करते हैं। हम यहां से जा सकते हैं। तो हमें एक और एक्स्ट्रा लाइफ मिल चुकी है। नाइस, इसकी
और आदि अभी आगे और भी है। मुझे एमओ की जरूरत है। इस डीमन का नाम है इम, इसे चलती फिरती एमओ भी कहते हैं। खान मेकर My scans indicate there is a lift at the center of this facility. तो ये एक AI है जिसका नाम है Vega. तो यहाँ पे सारे hell priests gather होंगे। Fast travel. Okay. आपको अगर पूरी लोर जाननी है गेम की तो आप YouTube पे देख सकते हैं। अभी खान मेकर को हराया नहीं जा सकता। ऑफ डूम आई डू नॉट हैव द मींस टू लोकेट द सेकंड हेल प्रीस्ट योर सेलेस्टियल लोकेटर इज मिसिंग अ कंपोनेंट वी विल नीड अ रिप्लेसमेंट। तो हमें एक नया सेलेस्टियल लोकेटर चाहिए होगा जिससे हम एक हेल प्रीस्ट को ढूंढ सके और फ्लेम बेल्च इज नाउ रेडी फॉर योर अप्रूवल और हम उसे मार सकें। तो हमें अभी जाएंगे एक्सेल्शिया और हमें फ्लेम बेल्ट मिल चुका है। ये फायर छोड़ेगा जिससे कि हमें आर्मर मिलेगा।
सेंटिनल क्रिस्टल, इससे हम ये कर सकते हैं कि तो अभी मैं अपनी एमओ बढ़ाने वाला हूँ, लेकिन किस में आर्मर फॉर ब्लड, एज लॉन्ग एज यू आर मैक्स आर्मर ऑल आर्मर पिकअप्स कंट्रीब्यूट टू ब्लड पंच, लेकिन ब्लड पंच तो हमें अभी मिला ही नहीं है, अभी इसी लाल में मिल जाएगा तो नेपाल बेल्च लेते हैं ये। ओके तो हमने अपनी एमओ क्रिएट कर लिया है, अब हम ज्यादा एमओ कैरी कर पाएंगे। अब हम जा रहे हैं एक्सेल्सिया। यहाँ से हम सेलेस्टियल लोकेटर लेंगे। डेमन का नाम है हेल नाइट, काफी पावरफुल डेमन है ये, मतलब अभी के लिए तो पावरफुल लग रहा है, आगे जाके इससे भी बहुत पावरफुल डेमन आएंगे। तो ये मिल गया हमको ब्लड पंच। अब इसका भी ट्यूटोरियल कर लेते हैं। तो ये जब हम ग्लोरी किल करेंगे तो ये उससे रिफिल होगा, फिर हम ये कर पाएंगे। ये काफी ज्यादा डैमेज करता है। Thank you.
ये लेते हैं, सर्वाइव एंड डेथ ब्लो एंड ब्रीफली स्लो डाउन टाइम गिविंग अ चांस टू रिकवर। हमें वेपन पॉइंट मिला जिससे हम अपग्रेड को भी एक तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छा है।
जब भी ऐसा ग्रीन सा बॉक्स दिखता था उसे पंच करना होता है। ये हम पंच करके हम क्लाइम कर सकते हैं इसके ऊपर चढ़ के काफ़ी जगहों पे, तो ये हमारी काफ़ी हेल्प करता है। अभी हम ये चेन्स तोड़ देंगे, चढ़ना पड़ेगा। जिससे हम अटैक्स को डॉज कर सकते हैं और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं और इससे हम डैमेज भी कर सकते हैं। हाँ, हमें डैश कब तो यूज़ करना है। ये है सेलेस्टियल लोकेटर। Despite their transgressions against the Covenant, they are still of sinful blood. What you interfere with now is bigger than you can imagine. It is written. It is their time to give vengeance. If you continue, you will bring down the heaven's wrath. They are no longer your people to save. तो ये हमें कह रहा है कि जो अभी हम कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी बड़े होंगे। ऐसा ये किंग नोविक वो है जो स्टार्टिंग में वो डायलॉग आया था, अगेंस्ट ऑल द विकेडनेस दैट मैनकाइंड कैन ऑल द इविल दैट द हेल कैन कॉन्कर, ये वाला। मर गए। तो आज के लिए बस इतना ही।